हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बनाएंगे आलू के फिंगर चिप्स। बच्चों को काफ़ी पसंद आते हैं, ये खाने में अच्छे लगते हैं। बच्चों को क्या, बड़ों को भी बहुत पसंद आते हैं। आइए आज हम घर पे इसको बनाते हैं, आपके साथ रेसिपी इसकी शेयर करते हैं। इसके लिए मैंने 4 बड़े से आलू लिए। इसके लिए थोड़े से बड़े आलू होने चाहिए, 4 मैंने आलू लिए हैं। इनको छील लेंगे, छील के इसको जो है साइड कर लेंगे। मैंने एक बाउल में पानी लिया है, ये छिले हुए आलू एक बाउल में डाल देंगे। इनको वॉश करके अच्छे से निकाल देंगे। आलू को हमको इस शेप में अपना थोड़ा, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला, इस शेप में इसको रखना है। एक आलू में 4 से 5 पीसेस निकलेंगे इस तरीके के। आलू हम कट करेंगे, पहले इसके साइड्स कट कर देंगे, दोनों साइड से इसको निकाल देंगे। आलू को कट कर लेंगे, ये देखिए फिंगर के साइज। फिंगर देखिए कितने बढ़िया कटे हैं। आपको इस शेप में सारे आलू काट लेंगे, हम सारे आलू काट के रख लेंगे। ये देखिए इसी तरीके से काटना है। आप किसी भी शेप में इसको काट सकते हैं, लेकिन फिंगर का शेप जो होता है वो यही है। सारे आलू हम इसी तरीके से काट लेंगे। आलू जो भी हमारा कटता जाएगा, हम उसको एक बाउल में पानी में डालते रहेंगे। इस तरीके से बाउल में पानी में डालते रहेंगे। इसी तरीके से हम सारे आलू अभी काट लेते हैं। हमारा जो वॉश किया हुआ है, हम इसको एक डलिया में निकाल देंगे। इसको 2 से 3 मिनट ऐसे ही रखा रहने देंगे, जिससे इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा पानी निकल जाए। 4 टेबल स्पून डालेंगे कॉर्नफ्लोर। हाफ टेबल स्पून डालेंगे इसमें काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च का पाउडर है ये। हाफ टेबल स्पून नमक, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो नहीं डालना। हम इसको सबको मिक्स कर देंगे। हमने काट के रखे तो उसको एक बाउल में डाल लेंगे सारे फिंगर। इसको हमने 3 से 4 मिनट रख दिया था, इसका पानी निकल गया। इसमें अब हम डालेंगे फिंगर, कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर डालेंगे 2 टेबल स्पून। करने के बाद हम इसको इस तरीके से मिक्स कर देंगे, इस तरीके से। जो बाकी बचा हुआ कॉर्नफ्लोर है उसको फिर हम ऐड कर देंगे। बाकी बचा हुआ कॉर्नफ्लोर को भी ऐड कर देंगे हम। कॉर्नफ्लोर सबसे लास्ट में ऐड करना है, क्योंकि इसमें नमक पड़ा है। आलू के साथ ये मिक्स होगा तो पानी छोड़ने लगेगा आलू, इसीलिए जो है सबसे लास्ट में जब आप फ्राई करने वाले होंगे तभी आप कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड करें। इस तरीके से मिक्स कर दें। हमने मिक्स कर दिया है। ऑयल को मैंने पहले से ही गरम करने के लिए रख दिया था, आप लोग भी पहले से गरम करने के लिए रख दें, इसके बाद ही इसमें फिंगर ऐड करें। अब इसमें ऐड कर देंगे। ऑयल को अच्छे से गरम कर लें, इसके बाद ही फिंगर इसमें ऐड करें। खूब अच्छे से गरम हो जाए ऑयल, तभी। फिंगर को कढ़ाई में डाले हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। इनको अभी हाफ कुक करेंगे। एक प्लेट या एक बाउल में हम इसको निकाल लेंगे। हाफ फ्राई करना है अभी हमें इनको, इस तरीके से। बाकी के बचे हुए भी फिंगर हम इसमें फ्राई कर लेंगे। जब तक वो हमारे ठंडे हो रहे हैं, इनको भी फ्राई कर देंगे। इनको भी हाफ ही कुक करेंगे। हमारे ये भी हाफ कुक हो गए, इनको निकाल लेंगे। निकाल लेंगे। बचे हुए ऑयल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे, इसके बाद हम इनको दोबारा से फ्राई करेंगे।
ऑयल को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। फिंगर हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, हम इनको 1 से 2 मिनट और फ्राई करेंगे। फिंगर हमारे रेडी है, ये देखिए, ये देखिए आप लोग। फिंगर को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, एक एक देखिए, एक एक सारे फिंगर, एक एक है हमारे सारे फिंगर हमने निकाल लिए, देखिए। फिंगर फ्राइज हमारे बनकर रेडी है, आप देखिए सारे एक एक बने हुए हैं, ये आपको आवाज़ भी आ रही होगी, ये देखिए। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें। ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, एक बार ज़रूर ट्राई करें आप लोग, बहुत यम्मी बनी है।